हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेथ ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एक और रिलेटेड अपडेट आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूं कि फाइनली बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया जा चुका है आपकी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। जे स्टूडेंट, जैसा कि हम वेट कर रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे बोर्ड के नोटिस का, तो वो टाइम आ चुका है और बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया जा चुका है। अभी अभी की ये न्यूज़ है, एक घंटे पहले की लेटेस्ट न्यूज है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इस न्यूज का सोर्स बता देता हूं, ये ट्विटर पर अपलोड किया गया है आपका जो नोटिस है, तो आप देख सकते हैं ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एमपी ट्विटर की साइड है। तो यहां पर आप देखेंगे स्टार्टिंग में हेडिंग को देख लीजिए, कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। नियमित एवं सौदासी छात्रों की परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने संबंधी परिपत्र की प्रति संलग्न प्रेषित है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर दी गई है कि जो 10th क्लास की परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है, 10th क्लास की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं बार बार अपनी हर वीडियो में मेंशन कर रहा था, उल्लेख कर रहा था, आपको बता रहा था कि 10th की परीक्षा 100% आपकी कैंसिल कर दी जाएगी और उसके लिए अब नोटिस जारी हो चुका है और क्लियर यहां पे बता दिया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, मतलब कि 10वीं की परीक्षा तो रद्द हो गई है। अब इसके बाद नियमित एवं सौदासी छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने, तो इनका जो रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा उसके लिए यहां पर नोटिस जारी किया गया है। और 12th के बारे में क्या कुछ बताया गया है यह हम नोटिस को जान लेते हैं। सबसे पहले हम इस आदेश को पढ़ लेते हैं, तो मैं ये आदेश को आपको पढ़कर बता देता हूं। तो आप यहां पे सबसे पहले डेट देख लीजिए, 14 मई 2021 मतलब के आज की ही डेट है और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, आप इसकी ऑफिशियल साइट पर भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं mp.nic.in पर विजिट करके देखेंगे तो आपको ये नोटिस वहां पर मिल जाएगा। किसी तरह की ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल ट्रस्टेड न्यूज़ मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो चलिए मैं इसको नोटिस को आपको थोड़ा सा पढ़कर बता देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए, यहां पर बताया गया कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी हायर व्यावसायिक डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन शारीरिक प्रशिक्षण प्रतोपदी परीक्षाएं मंडल के पत्र क्रमांक, यहां पे पत्र का नंबर दिया गया है और ये 14 अप्रैल द्वारा एक माह के लिए स्थगित किए जाने संबंधी, तो मतलब कि जो पहले परीक्षाएं एक महीने के लिए स्थगित की गई थी, जो आदेश जारी किया गया था, तो उसको मेंशन करते हुए यहां पर अब बताया जा रहा है कि राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु एवं परीक्षा केंद्रों विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्र उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त संक्रमण के संभावित की रोकथाम करने के उद्देश्य से एवं छात्र हित में वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है, लिया जाता है। तो मतलब यहां पर यह चीज स्पष्ट कर दी गई है, यह चीज क्लियर कर दी गई है कि जो हाई स्कूल मतलब कि कक्षा 10वीं की परीक्षा है उसको रद्द किया जाता है, उसको कैंसिल किया जाता है, आपकी क्लास 10th की परीक्षा नहीं होगी। जी हां, यह चीज बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, अब इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फाइनली 10th क्लास की परीक्षा को रद्द कर दिया है। आगे आप यहाँ पर और देख सकते हैं, हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के नियमित एवं सौदासी छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने हेतु निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किए गए। तो आपका रिजल्ट किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग गाइडलाइन है, प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग गाइडलाइन है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है नियमित परीक्षार्थियों के लिए, जो रेगुलर स्टूडेंट उनके लिए प्रत्येक परीक्षार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकशालाओं में उपलब्ध हैं। उक्त तीन प्रकार के मूल्यांकन का अधिभार नियत किया जाकर प्रत्येक परीक्षार्थी को शालाओं द्वारा 100% मतलब के 100 अंकों में से प्राप्त अंकों की गणना की जाए। तो मतलब जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम, आपके प्री बोर्ड एग्जाम, आपके जो यूनिट टेस्ट हुए थे, आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, स्कूल के पास जो आपका रिकॉर्ड होता है उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ये क्लास 10th के छात्रों के लिए है। तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल बताई गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया कि आपका रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाकर और डिटेल में हम इसको समझेंगे कि आपका रिजल्ट किस तरीके से बनेगा, आप यहाँ पे नोटिस को भी देख सकते हैं। तो ये नोटिस आपके लिए जारी कर दिया गया है, ये क्लास 10th के लिए है, तो इसके लिए यहाँ पर डिटेल बता दी गई है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, यहाँ पर अंकों का विभाजन भी कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा दूसरे नोटिस के बारे में बात कर लेता हूँ, जिससे कि और आगे जो कुछ जानकारी है वो आपको पता चल जाए कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है क्लास 12th के लिए, 12वीं के छात्रों के लिए क्या कुछ यहाँ पर गाइडलाइन दी जा रही है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं और इसको हम आगे डिटेल में समझ लेते हैं क्या कुछ जानकारी यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई है, तो मैं पूरे ही नोटिस को आपको पढ़कर बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो आदेश जारी किया गया है, ये आदेश आपकी क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही के लिए जारी किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है वो क्लास 10th के ऊपर ज़्यादा किया जा रहा है।
अब आप 12वीं के लिए देख लेते हैं। 12वीं के लिए भी यहाँ पर नोटिस जारी किया गया और यहाँ पर क्या बताया गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाली 12वीं की परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की जाती हैं। कोरोना संक्रमण सामान्य होने की स्थिति में इन परीक्षाओं के आयोजन की सूचना 20 दिवस पूर्व दी जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि क्लास 12 की जो परीक्षा है उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब कि उनको कैंसिल नहीं किया गया है, कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं है। आगामी आदेश तक 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है, और आपका जो आदेश आएगा, मतलब आपकी जो परीक्षा की डेट आएगी, उसकी 20 दिन पहले आदेश जारी करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा कब ली जानी है, किस स्थिति में आपकी परीक्षा होना है। उसके लिए आपको पहले ही 20 दिन पहले एक नोटिस जारी करके आपको बता दिया जाएगा। तो ये भी आज की न्यूज़ है, ये आपके क्लास 12th के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये क्लियर हो चुका है कि आपकी जो परीक्षा है उस परीक्षा को स्थगित किया जाता है 12वीं के छात्रों के लिए, और क्लास 10th के छात्रों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाता है। और यहाँ पर भी प्रेस विज्ञप्ति आप यहाँ पर इसको पढ़ के देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है कि आपकी जो परीक्षा है क्लास 10th कैंसिल हो चुकी है और क्लास 12th की परीक्षा को स्थगित किया जाता है आगामी आदेश तक। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आदेश को पढ़कर नहीं बता रहा हूँ आपको। मैंने आदेश जितना था आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, लेकिन रिजल्ट आपका किस तरीके से बनेगा वो भी बता दिया है। डिटेल में रिजल्ट समझने के लिए आपको वेट करना होगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कराऊँगा कि किस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, आपका स्कोर क्या हो सकता है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बस आपको इस वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला था कि बोर्ड की तरफ से फाइनली नोटिस जारी किया जा चुका है। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लास 12th के स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्लास मतलब कि 11th में आप प्रमोट होने वाले हैं तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं। आई होप दैट इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद होगी, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।